भारतीय जनमानस में आयुर्वेद के प्रति रुझान तेजी से बढ़ा है और लोग रोग के इलाज के लिए आयुर्वेद को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन लोगों को इलाज कराने में सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि कैशलेस बीमा की सुविधा ना होना। इसी को ध्यान में रखकर आयुष मंत्रालय ने एक रोड मैप बनाया है जिसका कार्यान्वयन जल्द होने की उम्मीद है। यदि ऐसा हो जाता है तो आयुर्वेद पद्धति से उपचार कराने वाले रोगियों को देश भर में कैशलेस बीमा की सुविधा जल्द ही मिलने लग जाएगी। अभी तक 10 से 12 फीसदी क्लेम ही कैशलेस होते हैं। इन्हें बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय बीमा कंपनियों आयुर्वेद उपचार देने वाले अस्पताल प्रबंधन के बीच आपसी सहमति बन गई है। आयुष रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य बीमा कवर के अंतर्गत लाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयुष मंत्रालय बीमा कंपनियों और आयुष अस्पताल प्रबंधन की बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से आयुष रोगियों को ज्यादा से ज्यादा कैशलेस बीमा कवर की सुविधा देने का मुद्दा प्रमुख रूप से सामने आया। आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने कहा कि आयुष के क्षेत्र में इंश्योरेंस की मांग बहुत बढ़ गई है और पिछले 5 साल में क्लेम की संख्या 6 गुना हो गई। यह भविष्य में और भी तेजी से बढ़ेगी। आमतौर पर स्वास्थ्य बीमा करने वाली कंपनियां ऑपरेशन और इमरजेंसी इलाज के लिए बीमा कवर पर जोर देती हैं, जबकि आयुर्वेद में ज्यादातर मरीज ऐसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं जिनमें ऑपरेशन के बजाय लंबे इलाज की जरूरत होती है। बीमा कंपनियां इन बीमारियों के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं होने की बात कहकर बीमा देने से मना कर देती हैं। इससे बीमा धारक को पॉलिसी में आयुष उपचार का कवर नहीं मिलता था। इसके अलावा आयुष में रोगी के लिए कैशलेस की सुविधा अभी तक नहीं मिलती है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक प्रोफेसर तनुजा नेसारी ने कहा कि आयुष के रोगियों को कैशलेस की सुविधा पर्याप्त रूप से नहीं मिल रही है। आयुष उपचार को मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा में शामिल करने के लिए कैशलेस इंश्योरेंस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, लेकिन अब आयुष के रोगियों को जल्द ही मानक पूरे करने वाले अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलने लगेगी। इसको लेकर आयुष अस्पताल विभिन्न बीमा कंपनियों के साथ मिलकर TPA नेटवर्क के जरिए आयुष थेरेपी के लिए कैशलेस उपचार का दायरा बढ़ाएंगे। TPA स्वास्थ्य बीमा निगम का एजेंट होता है। अधिकतर अस्पतालों में इनका नेटवर्क बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आयुष उपचार का दायरा बढ़ाने के लिए इसे जल्द ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ दिया जाएगा। इसका काम अंतिम चरण में चल रहा है। फिर इस योजना के तहत आयुष रोगी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार करा सकेगा। निरोग समाचार की रिपोर्ट।